एनएसयूआई एक ऐसा छात्र संगठन है जो चुनावों में कांग्रेस की जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका अदा करता है। ये बात पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने गांधी भवन मंडी में आयोजित एनएसयूआई की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए चुनावों के वक्त एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करते हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस विचारधारा को लेकर ज्ञान हासिल करें और कांग्रेस का देश के लिए क्या योगदान है उस पर मंथन करें। साथ ही उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में अभी से कार्य करने की अपील की। मंडी जिला एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं अमित जम्वाल जी, उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया था और मुझे विशेष तौर पर उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। एनएसयूआई का जो हमारा ये सम्मेलन है, जो मीटिंग हुई है, उसमें जितने भी मंडी जिले के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस से के जो जितने भी हमारे कैंपस के प्रेसिडेंट और दूसरे पदाधिकारी हैं उसमें शामिल हुए हैं। और दूसरा विशेष तौर पर रणनीति जो थी, एक एनएसयूआई को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाना और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए इनको प्रेरित करना जो है, इसका आज इसका मेन उद्देश्य था। अभी 4-5 महीने के बाद ही हमारे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए इतना काम एनएसयूआई के नौजवान करते हैं, युवा कांग्रेस के नौजवान करते हैं, वो जो है एक दिशा को बदलने की कोशिश करते हैं और गांव गांव में जाकर के लोगों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए इस मीटिंग का आयोजन किया था। बहुत खुशी है जो एनएसयूआई के जिला के प्रेसिडेंट हैं और जो दूसरे पूर्व प्रेसिडेंट हैं इसके एनएसयूआई के, और एनएसयूआई के जो हमारे दूसरे पदाधिकारी हैं उसमें भी शामिल हुए हैं, और हमारे सत्र के जो मीटिंग है कांग्रेस पार्टी की चंपा ठाकुर जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है, इसमें शामिल हुई है और बड़े पुराने लोग शामिल हुए और नौजवान जो है काफी संख्या में इस मीटिंग में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है। मैंने भी इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें कार्यकर्ताओं की पहचान है। साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए आज से ही भाग लेने की अपील की। कि जब भी हमने संगठन के बारे में, एनएसयूआई के बारे में, यूथ कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के बारे में चर्चा की या आला नेताओं से संपर्क किया तो ठाकुर साहब ने हमेशा हमारा साथ दिया। गौर सिंह ठाकुर जी की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूंगा कि ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि ये एकमात्र ऐसे नेता है जो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को भी पहचानते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पहचानते हैं, इस बात के बधाई के पात्र। बाकी आप सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको जो भी सहयोग, जो भी मदद आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहिए या कंसर्न ब्लॉक अध्यक्ष से आप मिलिए या जिला कांग्रेस सब कमेटी के अध्यक्ष मुझसे मिलिए, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता है, हर एक पदाधिकारी, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी जो मदद हो सकती है वो आपको मिले। और दूसरा एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी हम कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ करते हैं या किसी भी